इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के जंजारी गांव में हम मौजूद हैं, जहां पर अभी अभी कई गोलियां चल जाती हैं। गाड़ी में बताया जाता है कि कुछ शूटर्स आते हैं और गोलियां चलाकर फरार हो जाते हैं। ये मामला वही है जो जंजारी गांव में पहले इसी दुकान पर गोलियां चली थी, वही मामला बताया जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, उसी दुकान पर जिस दुकान पर पहले गोलियां चलाई गई थी, तीन लोगों पर, परिवार के तीन लोगों पर, जिस मामले में जो है ये मामला आप देख सकते हैं क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इस समय परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है, गोलियों के खोल ही खोल यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं, डीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। हम आपको गोलियों के खोल दिखाना चाहेंगे, आप ये देख सकते हैं गोलियों के खोल इस समय आपको नजर आ रहे होंगे। पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है। इलाका डीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं, जंजारी गांव में उसी दुकान पर गोलियां जली है जहां पर पहले अजंथली वाला जो मामला चल रहा था, विवाद चल रहा था, उसी दुकान पर गोलियां चली हैं। इस समय डीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं, थाना की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, आसपास के तमाम लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं। दहशत का माहौल देखा जा सकता है क्योंकि गाड़ी में बताया जा रहा है कई हमलावर आए थे, गाड़ी में कई हमलावर आए थे, शूटर्स आए थे। कितने के लोग थे? पांच लोग थे। पहले भी गोली मार गए थे इसी दुकान के ऊपर, आज भी गोली मार के चले गए। वो कौन सी गाड़ी में थे? दो के पास हथियार थे। और चलते चलते भी वो फायर करके कभी कोई पकड़ ले। काफी गोलियां चलाई, 6-7 गोले जैव गान को। पहले भी इसी को लगी थी गोली, एक इसके भैया को लगी थी। आप देख सकते हैं परिवार की महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। बहन जी कितने लोग थे गाड़ी में आए थे? 6 बंदे थे जी। 4 बंदे? 6 बंदे जी। 6 बंदे एक ही गाड़ी में? हाँ जी, एक ही गाड़ी में। पहले भी 6 बंदे थे, अभी भी 6 बंदे। नहीं जी, मैं तो घर से ही आई। आपके पति हैं जी? भगवान? नहीं जी, मेरा जेठ है। हाँ जी, पहले भी हमला हुआ इन पर? हाँ जी, पहले जी हुआ जी। तो क्या लगता है क्या दुश्मनी होगी कौन लोगों में? पहले पता ही है जी आपने तो। पहले किसने हमला किया था? पहले भी उन्हीं बंदों ने किया था जी, अरबी भी उन्हीं बंदों ने जी। हाँ जी, नहीं जी, जमानत हो रही जी, जमानत हो रही। किन-किन की हुई है जमानत? नरेश बैर भेज रखा जी, अरुण के जो समय मुंदड़ी गया जी, मैं भी जमानत हो रही। अजंथली वाला मामला है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये गवाह थे आप वाले जो थे या कोई? मना नहीं बता। तो आप देख सकते हैं ये वही पुराना मामला हो सकता है, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं डीएसपी मौके पर हैं, एसएचओ मौके पर हैं, गाड़ी में कई हमलावर आते हैं। और आप देख सकते हैं जय भगवान, जिस पर पहले भी कातिलाना हमला हुआ था जंजारी गांव में, उस समय आरोप जो है जो नरेश अजंथली हैं उन पर उस समय आरोप लगे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद कुछ एक लोग जमानत पर आ जाते हैं, कुछ एक लोग शायद विदेश में चले जाते हैं। लेकिन क्या कुछ पूरा मामला है, कहा नहीं जा सकता। डीएसपी मौके पर हैं, गोलियों के खोल ही खोल मौके पर पड़े हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें झंझारी गांव से आप देख सकते हैं, जहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं, गोलियों के कई राउंड यहां पर बिखरे पड़े हैं, और गाड़ी पे आए थे हमलावर, इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस की तमाम टीमें मामले की गहनता से छानबीन करती हुई नजर आ रही है। गोलियों के खोल ही खोल देखे जा सकते हैं, दुकान के बाहर गोलियों के खोल ही खोल देखे जा सकते हैं, और लाइव तस्वीरें देख सकते हैं अंदर भी गोलियों के खोल हैं, अंदर भी गोलियों के खोल ही खोल बिखरे पड़े हैं। पुलिस की तमाम टीमें मामले की गहनता से छानबीन करती हुई नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से नालियों में भी चले हुए गोलियों के खोल देखे जा सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, खोल ही खोल देखे जा सकते हैं, नालियों में भी इस समय गोलियों के खोल देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं जिंदा कारतूस भी पड़ा हुआ है, जिंदा कारतूस भी देखा जा सकता है। इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस की तमाम टीमें मौके पर हैं। दहशत का माहौल देखा जा सकता है जंजारी गांव में, क्योंकि पहले भी यहां पर इस तरह से गोलियां चल चुकी हैं। क्या हुआ था सर, किसको गोली मारी? ये भाई साहब, ये हमारे पड़ोसी दुकानदार हैं जी, जय भगवान जी, इनका नाम है साहब। इससे पहले कोई अंतंसारी का मामला इनके साथ ऐसी हुआ था, इसी दुकान पर गोली चली थी साहब। इनको सिक्योरिटी भी मिली है, पुलिस सिक्योरिटी, जिसमें धर्मवीर जो था वो तो अपने घर था जी, इनका लड़का गोल्डी वो अपने घर था जी, ये उसके फादर थे जय भगवान जो दुकान चलाते हैं जी। इन्होंने क्या किया, मौका देख के चार आदमी आए जी मौके पे, चार आदमियों ने दोनों तो अंदर इसको फायरिंग पहले कर दी जी, दो साइड में खड़े रहे पहरे पे, भाई कोई आवे नहीं। सिक्योरिटी वाला नहीं था? कोई नहीं था, इसके पास नहीं था जी कोई, नहीं यहाँ इस टाइम कोई नहीं था सिक्योरिटी वाला जी। इनको भी मिली हुई सिक्योरिटी? इसका ये नहीं है, इनको कन्फर्म होगा जी, पुलिस डिपार्टमेंट को पता है जी। बस मुश्किल है जी, 8 खोल तो ये पड़े यहाँ पर जी,
आठ कल तो पुलिस डिपार्टमेंट आगे कटे जी, वही वो मेरे ख्याल तो उसी मामले से मिले जुले हैं। अस्पताल कौन लेके गया फिर? है जी अस्पताल इसका छोटा भाई जय भगवान लेके और धर्मवीर लेके गया और साथ वाले गए। अब ये नहीं पता साहब बाजार क्या मामला है, उन्होंने गोली मारी, मैं मौके पे मेरी लड़की आई, मेरी लड़की कहने डैडी गोली मार दी ये ले क्या बात है क्या बात है, तेरे भी लगेगी दूर हो जा, लड़की का मेरी बेटी है यही साथ पड़ोस है मेरा बिल्कुल साथ में। उसके बाद सुनते ही गोली का नाम मैं भी बाहर आया, बाहर आके सोचते मैंने कहा दो होंगे, वो जो दो मार के निकल लिए ना तो मैंने कहा रुको रुक वो करते करते खाली मगर खाली हका खाड़े का मैं जैसे चिपटन ने होया इतनी देर में वहाँ आके गोली मार के तेरे लगेगी दूर हो जा। आपको भी कैसे हम मेरे को कहते तेरे भी लगे मेरे कहानी है जी मेरे एक ने तो नकाब पोस्ट कर रखा था बाकी तीन के मुंह खुले थे पहचान लूंगा जी बिल्कुल पहचान लूंगा। वो आए थे जी कार में सामने खोखा है जी लोहे का खोखा है जी सफेद रंग की गाड़ी थी जी, नंबर उसका हम नोट नहीं कर पाए, यहाँ से इतनी देर में हम उसको मारने वहाँ पहुँचते यहाँ से भागा पीछे एक गाड़ी में बैठा होगा और शोर मचाया हमने पकड़ो गोली मार तब तक तो ड्राइवर रेडी था उनका, यानी वो है कि एक पहले ऑलरेडी तैयार था, चार हमने आंखों से देखे। बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं कई शूटर्स बताए जा रहे हैं, इस समय DSP खुद मौके पर है, SHO की टीम मौके पर है, आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा मामला है। जंजारी गांव में कई राउंड गोलियां चल जाती हैं, अजंथली वाला ही मामला बताया जा रहा है, जो अजंथली वाला मामला था वही पहले ये मामला हो सकता है। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे आज से कई साल पहले भी हमने आपको दिखाया था जो पहले मामला हुआ था जो दादूपुर हत्याकांड हुआ था, उस मामले में भी आप देख सकते हैं इस दुकान में गोलियां चलती हैं, क्या कुछ आरोप थे, हालांकि पुलिस इस मामले में ज्यादा बेहतर बता पाएगी, लेकिन जानकारी यह थी कि क्या कुछ मुखबरी से जुड़ा मामला था जब गोलियां चली थी, लेकिन तब भी तीन लोगों पर, इन्हीं के परिवार के तीन लोगों पर जिस पर अब गोली चली है, जय भगवान और दो अन्य लोगों पर, बेटों पर गोलियां चलाई गई थी, लेकिन उस समय दो दो तीन तीन गोलियां लगी थी, लेकिन हॉस्पिटल में समय लेते ले जाया गया जिसके बाद जो है उनकी जान बच पाई थी। इस मामले में आरोपी भी गिरफ्तार हुए थे, इस मामले में अजंथली गांव से भी आरोपी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन अब इस मामले में क्या जमानत पर चल रहे थे आरोपी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मामला बड़ा हो सकता है। ये लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ा गोलीकांड सामने आता है, पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई है, हम आपको दिखाना चाहेंगे, सभी देख सकते हैं SHO मौके पर है, DSP मौके पर है, मामले की पूरी गहनता से छानबीन की जा रही है, जिंदा कारतूस भी पड़े हैं, जिंदा कारतूस एक और एक चला हुआ कारतूस नाली में देखा जा सकता है, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जो महिला है परिवार की वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। कुछ पहचान हुई, किसी ने पहचान करी उनकी? पहचान करी है जी, पहले मेरे को कौन सी गाड़ी में थे नून मन के बेरा जी के चार लोग थे तो घर पे आई जी चार लोग थे चार इन्होंने पता जी तो सिक्योरिटी मिल रही है आपके परिवार को आज रात की सिक्योरिटी कौन थी जी सिक्योरिटी नहीं थी आज नहीं जी रात की सिक्योरिटी कौन थी किसी ने तो शादी देरी होगी भाई कल आयो मुखबरी करी होगी हाँ किसी ने मुखबरी करी पहले भी मुखबरी करी थी जी कौन कौन आरोपी है इस मामले में इसमें जी मैंने क्या पता किसके बहुत जने आज इसमें तो ये बात तो छह जने थे जी पहले भी छह जने थे जी मारने नरेश तो बाहर भेज दिया जी नरेश तो बाहर जा लिया मैंने छोड़ गया जी मुंदड़ी के भी जी रोडो के नहीं जी देख सकते हैं क्या कुछ बुरा मामला हो सकता है इस समय गोलियों के जो खोल बरामद हुए हैं नालियों से उनको कब्जे में लिया जा रहा है लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं पुलिस गोलियों के खोल बरामद करती हुई नजर आ रही है गोलियों के खोल जो है उनको बरामद करती हुई नजर आ रही है उनको जो है आप देख सकते हैं इस समय किस तरह से अपने कब्जे में लेती हुई नजर आ रही है मामला बड़ा गंभीर है। जंझाड़ी गांव में इस समय गोलियां चल जाती हैं गाड़ी में सवार 5 से 6 हमलावर बताए जा रहे हैं आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर भाग जाते हैं सभी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं पुलिस की तमाम टीमें मामले की गहनता से छानबीन करती हुई नजर आ रही है लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इलाका DSP मौके पर पहुंच चुके हैं पुलिस की तमाम टीमें गाड़ियां मौके पर हैं आसपास के गांव के तमाम लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं किस तरह से एक बड़ा मामला देखा जा सकता है लोगों ने जैसे ही गोलियों की आवाज सुनी तो तुरंत बाहर आए आपको पता चल सकता है कौन लोग हैं कुछ पता चला ना ये नहीं पता चला जी देखा है किसी ने नहीं इधर भागे तो यहाँ से देखे होने कितने लोग थे चार लोग थे ऊपर बांध रहे थे और हथियार सब पे थे हाँ दो पे कितनी गोलियां चलाई उन्होंने 6 गोली तो कौन है ये जय भगवान पहले भी गोलियां चली पहले इन पे दो तीन दिन दोनों भाइयों के धर्मवीर के जय भगवान पहले भी गोलियां लगी थी
दो दो तीन तीन गोली लगी पहले तीन तीन पहले भी नहीं चलाई होंगी। कौन लोग थे आरोपी? ये तो पता कौन था। छह गोली कौन चलाई? 11 चलाई। देख सकते हैं काफी गोलियां चलाई गई हैं और इस समय आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इलाका डीएसपी मौके पर हैं, एसएचओ मौके पर हैं, गोलियों के कई खोल जो है बरामद किए जाते हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पूछताछ की जा रही है, चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। काफी राउंड गोलियां चलाई गई हैं, 4 से 5 शूटर्स बताए जा रहे हैं गाड़ी में आए थे। एक ने मुंह ढक रखा था, बाकी शूटर्स ने मुंह नहीं ढका हुआ था। हम आपको बताना चाहेंगे अजंथली मामले का ये हो सकता है जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि पहले भी अजंथली मामले में ही इसमें इनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी, इनके भाई पर गोली चलाई गई थी। तो ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, पुलिस की टीमें इस समय मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। मामले की पूरी गहनता से छानबीन की जा रही है, हालांकि कैसी हालत है कुछ कहा नहीं जा सकता। हालत गंभीर है, लहूलुहान हालत में उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। काफी गोलियां उनको लगी है, जय भगवान को जिनको पहले गोलियां लगी थी। पुलिस की तमाम टीमें आप देख सकते हैं मौके पर पहुंच जाती हैं, पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं और इस एरिया को आप देख सकते हैं किस तरह से सील किया जा रहा है, इस एरिया को किस तरह से सील किया जा रहा है क्योंकि मामला काफी गंभीर है। एरिया को सील किया जा रहा है, पुलिस की तमाम टीमें मौके पर हैं, एरिया को सील करती हुई नजर आ रही हैं। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, कई राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, कई राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, गोलियां ही गोलियां यहां पर पड़ी हुई हैं, गोलियों के खोल यहां पर पड़े हुए हैं, जिंदा कारतूस यहां पर पड़े हुए हैं और किस तरह से पुलिस की तमाम टीमें मामले की पूरी गहनता से छानबीन करती हुई नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, मामला बड़ा गंभीर है, मामला बड़ा गंभीर है। पहले भी इस मामले में इन्हीं दुकानदार के जो मालिक हैं जय भगवान, उनके भाई धर्मवीर और एक अन्य व्यक्ति को गोलियां लगी थी और इस मामले में कई आरोपी गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन कुछ एक आरोपी जमानत पर बाहर आ जाते हैं, कुछ एक लोग बताया जा रहा है कि विदेश भी चले जाते हैं। अब किसने गोलियां चलाई हैं ये पुलिस जांच का विषय जरूर है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, डीएसपी मौके पर हैं, डायल 112 की टीमें मौके पर हैं। मामला काफी गंभीर है, मामला काफी गंभीर है, ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। डीएसपी खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं, किस तरह से जो चश्मदीद हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे गोलियां चलाई जाती हैं, कैसे गोलियां चलाई जाती हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, कई राउंड फायरिंग की गई है, 10 से 11 राउंड फायरिंग कम से कम हुई है, 10 से 12 राउंड कम से कम फायरिंग हुई है। जो घायल है लहूलुहान हालत में हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है, लेकिन उनकी हालत कैसी है कुछ नहीं कहा जा सकता। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, जंजाड़ी गांव में कई राउंड गोलियां चलती हैं, जिसके बाद पुलिस की तमाम टीमें मामले की गहनता से छानबीन करती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई है। सवाल ये गंभीर उठता है कि सिक्योरिटी भी मिली हुई थी, लेकिन सिक्योरिटी कहां थी? डीएसपी मौके पर हैं, गोलियों के कई खोल बरामद हुए हैं, डीएसपी नायब सिंह मौके पर पहुंचे हुए हैं। मामले की पूरी गहनता से छानबीन की जा रही है। बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से जंजारी गांव में, जहां पर कई राउंड गोलियां चलती हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ ही देर में दोबारा से हम आपके बीच में पहुंचेंगे, अपडेट लेकर जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एक बड़ा गोलीकांड करनाल के जंजारी गांव में समय पर हुआ है।